फ्रेंड्स, ये रेसिपी मैगी से भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है, गारंटी है मेरी ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगी। तो चलिए ये टेस्टी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे 2 कप जितना। ये रेसिपी मैं पूरे परिवार के लिए बना रही हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा बना रही हूँ। इसके बाद हम बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे, वो भी 2 कप जितनी। आपको जो सब्जी ज़्यादा पसंद हो वो आप इसमें ज़्यादा डालिएगा। अब बारीक कटी हुई कैबेज डालेंगे, वो भी 2 कप जितनी। फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे 1 कप जितना। अब इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक, 1 से 2 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच जितना मैगी का मसाला डालेंगे। अगर आपके पास हो तो डालिएगा, वरना इसके बिना भी आप बना सकते हैं। इसके बाद मैंने 1 चम्मच जितना धनिया का पाउडर डाला है, अब अच्छे से मिला लेंगे। इसे मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें टोमेटो केचप डालेंगे 4 से 5 चम्मच जितना। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें बारीक कटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं। फिर से एक बार अच्छे से मिला लेंगे। आपको जो सब्जी पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं, धनिया भी डाल सकते हैं। अब हम एक तवे को गर्म होने के लिए रखेंगे, तवी अच्छे से गर्म हो जाए, फिर हम इसमें 1 चम्मच जितना तेल डालेंगे। जिसमें मैं रोटियां बनाती हूँ वही तवी मैंने यहाँ पर ली है। यहाँ पर मैंने एक बची हुई रोटी ली है, इसके पर 1 चम्मच जितना टोमेटो केचप स्प्रेड करेंगे। इसे मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब जो हमने मिश्रण तैयार किया था वो इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच जितना। इसे हम इसी तरह से बीच में डालेंगे। अब थोड़ी रोटी गर्म हो जाए और थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए, इसके बाद इसे इस तरह से टर्न कर लेंगे दोनों ही साइड से, और थोड़ा सा प्रेस करेंगे इस तरह से नीचे से। ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएंगी और उसका जो कलर है वो ब्राउन हो जाएगा। दोनों ही तरफ से क्रिस्पी होने तक इसे सेलो फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ से ये क्रिस्पी हो गई है और बहुत ही बढ़िया इसका कलर भी आ गया है। अब इसे हम एक प्लेट में लेंगे। इस रेसिपी को मैंने 2 भाग में कट कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा टोमेटो केचप डाला है, इसके बाद थोड़ी सी कैबेज और शिमला मिर्च डाली है। टोमेटो केचप से मैंने सर्व किया है। चलिए इसका टेस्ट करते हैं कि कैसी बनी है हमारी ये रेसिपी। फ्रेंड्स, बहुत बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है टेस्ट में ये। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और नहीं लगा हो तो डिसलाइक। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।